हमलावरों के सहूलतकारों की तलाश तेज। सीटीडी मुलजिमान की मौजूदगी की इत्तला पर जामशोरो पहुंच गए। जराए के मुताबिक कार्रवाई को खुफिया रखा गया है। केपीओ के अतराफ की जियो फेंसिंग भी जारी। हमले के वक्त 100 से ज्यादा नंबर मशकूक करार। पुलिस जराए के मुताबिक 10 से 12 नंबर हमले के बाद से बंद हैं। इन नंबरों से बैरून शहर का भी कॉल डेटा मिला है। हमले में इस्तेमाल गाड़ी का मालिक जेर हिरासत, शोरूम सील कर दिया गया। सिपा सलार का वजीर आला सिंह के हमरा कराची पुलिस ऑफिस का दौरा। एसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ को कोर हेडक्वार्टर्स में हमले पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसम मुनीर जख्मी जवानों की अयादत करे, जिन्हें अस्पताल भी गए। फौज पुलिस और रेंजर्स की बहादुरी, अजम और कुर्बानियों को सराहा। कहा दहशत गर्दों का कोई मजहब या नजरिया नहीं, मिलकर निमटेंगे, ये एक गुमराहकुन टोला है। पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई। एक दहशतगर्द का ताल्लुक शिमाली वजीरिस्तान, दूसरे का लक्की मरवत और तीसरे का ताल्लुक केस से था। आईजी सिंध ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की इंक्वायरी के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी। वतन पर कुर्बान बेटों को कौम का सलाम। शहीद सब इंस्पेक्टर रेंजर्स तैमूर और पुलिस हेड कांस्टेबल शहीद गुलाम अब्बास और सईद की नमाज जनाजा अदा। खाकरूप अमजद मसीह की आखिर रसूमात भी अदा कर ली गई। वजीर आला सिंध, कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स और दीगर के शिरकत। ताजरों के वक्त की सिंध पुलिस से इजहार यकजहती। केपीओ ऑफिस पहुंच गया ताजर रहनुमा फैजान रावत ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में फोर्सेस के साथ हैं। उसका जो ब्रेक है वो वहाँ पे फेल हुआ है, जिसकी वजह से जो मजदा ट्रक था उसको उसने हिट किया है और इसकी वजह से हादसा पेश आया है। तो अपेरेंटली जो कॉज अब तक पता चला है वो उसका मैकेनिकल फेलियर है ट्रेजर का, जिसकी वजह से हादसा पेश आया है। कराची में M9 मोटरवे पर ट्रेलर और मिनी ट्रक में तसादुम। हादसे में दो अफराद जान बहक, सात जख्मी हो गए। DIG मोटरवे जावेद महर की बोल से गुफ्तगू। बताया हादसा ट्रेलर के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचा दिया गया। दोनों ड्राइवरों को हिरासत में ले लिया। नूली कादलिया पर यादगार की तारीख रखती है। आइन पर अमल रोकने के लिए हुकूमत अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। जजेस पर घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा कि भाजपा हुकूमती तब्दीली और रिकॉर्डिंग्स का एतराफ कर चुके हैं। जेल भरो तहरीक 22 फरवरी को शुरू होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PDM का आला इतार है। मरियम नवाज ने फिर अदलिया को निशाने पर रख लिया। कहा अदलिया को बावर कराना चाहती हूं। एहतसाब से इदारा कमजोर नहीं, मजबूत होता है। अदलिया को अपना एहतसाब खुद करना होगा। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान का रिजीम चेंज का मौकिफ बदलता रहा है। कैप्टन सफदर के बयान पर मरियम नवाज ने कहा, मैंने सफदर को बिल्कुल नहीं डांटा। नाहिद टोले ने मईशत को तबाह और आइन को पामाल किया है। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इलेक्शन नागुजीर है। कौम खौफ के बोझ तोड़कर मैदान में आ रही है। इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। नूली की अदलिया मुखालिफ मुहिम की मुजम्मत। चेयरमैन PTI ने कहा कि नाहिद हुक्मरान टोला इलेक्शन से खौफजदा होकर इंतकामी कार्रवाई पर उतर आया है। जबर का गहरा हो और सोचों तक पर पहरा, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, और निजाम इशराफ का मोहरा, जब नस्लों तक सुनवाई ना हो, तारीख कानून का चेहरा हो, जेल भरो और खौफ का बुत तोड़ो। मुल्क में बरवक्त शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का शेड्यूल जारी। 22 फरवरी से 200 कारकुन रोजाना गिरफ्तारी देंगे। साबिक अरकाने कौमी सूबाई असम्बली का 6 रुकनी ग्रुप भी गिरफ्तारी देगा। धरनों का प्रोग्राम भी मुरतब। PTI ने खुसूसी पैगाम भी जारी कर दिया। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? जी अभी तक नहीं मिले, वो आ जाएंगे रात को, डार्क साइन होके आ जाती है। तुमने मेरी ऑडियो, मेरा टेलीफोन टैप किया है,
और तुमने मेरी प्राइवेसी के अंदर इंट्रूड किया है। मेरी प्राइवेसी की जो ब्रीच हुई है, मैंने अपने वकला को कह दिया है, मेरी पटिशन तैयार हो गई है और इंशाल्लाह पीर वाले दिन मैं हाई कोर्ट में पटिशन कर रही हूँ जो इन्होंने हरकत की है। कारकर्दगी के बजाय ओछे हटकंदे, चौधरी परवेज इलाही के बाद यास्मीन राशिद और सीसीपी और लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ऑडियो सामने आ गई। यास्मीन राशिद ने कहा कि ऑर्डर हो गए, डोगर ने कहा कि अभी नहीं हुए। यास्मीन राशिद का मौकिफ कहा, जिसने ये ऑडियो लीक की है उनसे कहें कि शर्म और हया करें। इमरान खान पर हमले के बाद सिक्योरिटी तहफात है, इसलिए कॉल की। पंजाब में सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ, मोनिस इलाही का रिश्तेदार गुजरात से गायब, साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही का ट्वीट, लिखा कज़न भी गायब और उसकी गाड़ी भी गायब है। पुलिस, एफआईए, नैब सब ने गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार किया है। मुल्की मईशत दिवालियापन का शिकार हो चुकी है, ख्वाजा आसिफ का एतराफ, कहा एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान तमाम हालात के जिम्मेदार हैं। अशराफिया ने दर्जनों गोल्फ क्लब बना रखे हैं, दो क्लब बेच दो तो चौथाई कर्जा उतर जाएगा। फवाद चौधरी ने वजीर दिफा को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया, बोले ख्वाजा आसिफ जैसे असल दुश्मन मुल्क से खेल रहे हैं। सदर मुमलिकत के लिखे गए खत का जवाब आ गया इलेक्शन कमीशन का, खत पर शदीद तहफुजात का इजहार। आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत के लिए तलब किया था। इलेक्शन कमीशन को सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बहाली पर भी तहफुजात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मंगल को अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर ख़ारजा का दौरा है जर्मनी, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के पैनल डिस्कशन से खिताब, कहा अफगान हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है, आलमी बरादरी अफगानिस्तान में क़याम-ए-अम के लिए अपना किरदार अदा करे। महंगाई का कोहराम, परेशान आवाम, रोज बरोज बढ़ती महंगाई पर सखर के वकला भी फट पड़े। रैली में महंगाई के खिलाफ नारेबाजी, असद उमर ने ट्वीट में कहा, गुज़िश्ता साल की निस्बत मुर्गी 102%, चावल 74%, दाल मूंग 68%, चाय की पत्ती 64% और डबल रोटी 55% महंगी हुई। बोल फैमिली में एक और इजाफा, उभरते हुए मारूफ एंकर पर्सन सैयद मुजम्मिल शाह ने बोलियों ज्वाइन कर लिया। सैयद मुजम्मिल सोशल मीडिया पर बेबाक तस्वीरों के बारे में मशहूर। मुल्क भर में शब मेराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई गई, रहमतों और बरकतों की रात, मसाजिद में नवाफिल और खुसूसी इबादात का अहतमाम। उलमाए कराम ने वाकए मेराज और उसकी फजीलत पर रोशनी डाली। जलजले को 14 रोज गुजर गए, तुर्की और शाम में मलबे तले जिंदगियों की तलाश जारी है, अमवात की तादाद 46,000 से तजावुज कर गई है। जलजले से तबाही के दिलखराश मनाजर, मलबे तले से मिलने वाले खिलौने वालदैन के दिल दहलाने लगे। और PSL 8 के मुकाबले कराची किंग्स अपनी जगह ना बना सकी, मुसलसल तीसरे मैच में शिकस्त, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मुकाबला 6 रन से जीत लिया। 169 रन हदफ के ताकुब में माद 11 5 विकेटों पर 162 रन ही बना सकी। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई, ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।